नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय को लेकर के मैं आत्मा परंतु मेरे शरीर का नाम अमित आपके बीच में उपस्थित हूं। आइए श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं और पुनः निवेदित करता हूं कि स्वयं को ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा निश्चय करें और समझें कि स्वयं परमात्मा मुझ अर्जुन आत्मा को गीता सुना रहे हैं। 14वां अध्याय। श्री भगवान बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको बताता हूं, जिसके जानने से सारे मुनिजन मुक्ति जीवन मुक्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते, प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे कौन्तेय, सब कर्मों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूं। प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव हैं, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रागात्मक रजोगुण से तृष्णा एवं आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह प्रमाद आलस्य निंद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसाता है। सत्वगुण सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान को ढक कर प्रमाद पैदा करता है। सत्वगुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है, इसी प्रकार रज सत्व एवं तम को और तम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों का आरंभ अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। तमोगुण की प्रबलता में अविवेक प्रमाद एवं मोह ये सब होता है। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति अर्थात मृत्यु प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीन गुणों को जान लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है?
किन उपायों से वो तीनों गुणों को त्यागता है। हे प्रिय, हे पांडुनंदन, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं, अर्थात जो गुणों के प्रभाव से पार चला जाए, जो अनन्य भक्ति से मुझे स्मरण करता है, वह इन तीन गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है। क्योंकि ब्रह्म विकार रहित मुक्ति तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूं। लीजिए, प्रभु ने 14वें अध्याय में हम आत्माओं को यह ज्ञान दिया कि प्रकृति अर्थात देह सत्व रज और तम इन तीन गुणों के प्रभाव में आती है। ये तीन गुण ही आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं और इन तीन गुणों के प्रभाव से प्रभावित आत्मा फिर गुणों के अनुसार ही सत्व रज तम इन तीन गुणों के अनुसार ही तदानुसार ही कर्म करती है। सत्व श्रेष्ठ, रज मध्यम और तम कनिष्ठ को कहा गया, अधम को कहा गया। यह सत्व क्या है? यह सत्व है वे सात गुण जिन गुणों से मिलकर के आत्मा बनी है, शांति, ज्ञान, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति। सातों गुण की प्रधानता है तो सतो प्रधान है, सात्विक हैं। सातों गुण यदि कम हो गए तो रजो प्रधान है और सातों गुण यदि खत्म हो गए तो तमो प्रधान है। श्रीमद् भागवत गीता के अगले अध्यायों में प्रभु ने इस पर और भी प्रकाश डाला है, उसे सुनेंगे। लेकिन तब तक आशा करता हूं श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय को आप बार बार श्रवण करेंगे, बार बार मनन चिंतन करेंगे। इसी आशा के साथ अभी आपसे आज्ञा लेता हूं, श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय को लेकर पुनः आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।